हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास के अंदर घातांक और करणी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर रहा और इसमें क्वेश्चन भी तरह तरह थे, वो पढ़ने आवश्यक थे। तो चलिए, इतना क्वेश्चन हम लोग अभी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आपको जो भी क्वेश्चंस नए मिलेंगे हम अपडेट क्वेश्चन की फिर आगे से भी वीडियो बना करके आपकी प्लेलिस्ट में जोड़ते चले जाएंगे। कुछ भी अंतिम नहीं है गणित में, बस ये कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मैथ को पढ़ने के लिए वो डिटेल में मैं आपको देते चल रहा हूँ। बाकी मैथ्स बहुत ब्रॉड है, वो सारी चीज़ें आपको बेहतर पता है और अपने पास भी आपको मालूम है कि अपना एक फंडामेंटल मैथ्स का जो बैच चलता है वो काफ़ी ब्रॉड है। लगभग उसमें एक साल यानी 12 महीने के आसपास लग जाते हैं, लेकिन वो किन बच्चों के लिए है जो इंटरमीडिएट पास हैं, सब कुछ एक साथ पढ़ना चाहते हैं वो, उनके लिए कंप्लीट हो। तो मैं आपसे उसमें किसी दिन बात करूंगा उसके बारे में। साथ ही साथ मेरा एक आपका प्रीमियम बैच भी चला करता है, प्रीमियम बैच के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होगी, जिसमें हेल्पमेट सीट और प्रैक्टिस कॉर्नर में कराता हूँ टाइप 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 करके। ये उन बच्चों के लिए जो कम से कम ग्रेजुएट पास हैं और एक आध बार उन्होंने गणित पढ़ी है, साथ ही विशेष तौर पर उनका फोकस CGL है, SSC ग्रेजुएट लेवल या और कोई हाई लेवल का एग्जामिनेशन है वो उनके लिए होता है। तीसरा, उन परीक्षाओं के लिए जिनमें फोकस बैच जिसमें मैं आपको कराता हूँ, जिसमें आपका SI है, लेखपाल है, SSC का प्री परीक्षा है, लखनऊ अधीनस्थ की सारी परीक्षाएं हैं, खंड शिक्षा अधिकारी है, UP TET CTET, इस तरह की जो भी एग्जामिनेशंस हैं इसमें कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं। तो ये जो आपकी क्लास चली उसके लिए चलती जा रही है। तो आपके पास हर तरीके के क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं, कुछ भी अंत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको मैं इस तरह का बना दूंगा कि कम से कम मैथ का कोई सवाल हो, किसी भी लेवल का हो, बेसिक लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो, आप वहां पे आराम से समझ पाओगे कि भाई यहां मुझे क्या करना है। तो ठीक है, आप सब प्रसन्न हैं तो आपकी खुशी मेरी खुशी है। और इसी के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से कुछ अच्छे सवाल और उनमें क्वेश्चन नंबर 76 आज हम शुरू करेंगे। अगर मैं 76 की बात करता हूं तो बिना कुछ कहे सुने आप इसे पहले तो इंपॉर्टेंट लगा लें, और आपने देखा भी होगा कि ऐसे सवाल आपको मिलते रहे हैं। अब यहां पे देखो कि अगर मैं 76 को लिखूंगा तो 76 में क्या लिखा भाई, यदि √3 प्लस होगा √2 के अपान हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस √2 बराबर, इन्होंने दिया a प्लस बी इंटू √6। तो a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा मेरे भाई, आपने क्वेश्चन लिख दिया क्या? बस एक बात बता दो यहां पे मित्रों, इतना याद रखना कि आपको जो हमने PDF भेजी है उसमें ये टाइपिंग की गलती है, वहां पे प्लस लिखा गया है। तो आप लोग अपने इस क्वेश्चन को वहां पे करेक्ट कर दीजिएगा। वहां पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यहां पे हमने करेक्ट क्वेश्चन लिख दिया। तो क्या आपके मन में आइडिया रहा ऐसे सवाल कैसे लगेंगे? अब तो हम लोगों ने इतने सारे सवाल पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो देर किस बात की, आपकी तरफ से मैं ही लगाता हूं इस सवाल को। तो देखो क्या करोगे, ये आपको दिया गया, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए और बी की करनी है। तो भाई मेरे, इसका कंजुगेट तो लोगे, परिमेयीकरण तो करोगे भैया। अगर परिमेयीकरण करोगे तो सारे शॉर्टकट रास्ते पिछली क्लासेज में मैंने सिखाए हैं आपको, तो यहां मैं उनका प्रयोग करूंगा। इसके उल्टा चिन्ह से नीचे ऊपर गुणा करोगे तो कम से कम ऊपर का √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा, इस बात से तो आप एग्री हैं। बटे में सदैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सीधे आप इसे 3 - 2 लिखिएगा, बराबर आपका ये है ए प्लस बी √6। बात एक ही है, गुणा का निशानी है वो। आप बताएं मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये बोला था कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आए तो सीधे इन दोनों नंबर को जोड़ देना, बोलो 3 - 2 = 5 प्लस 2AB, तो 2AB 3 × 2 = 6, 2√6 आ जाएगा। बटे में एक लिखने का कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, एक को छोड़ दिया जाए। बराबर अब लिख दीजिएगा ए प्लस बी √6। देखो मजा आ गया, कंपेयर किया जाता है, यहां पे प्लस से पहले 5, यहां प्लस से पहले 1, तो ये दोनों एक दूजे के लिए हो गए ना। तो यहां से आपका आंसर निकल के आ गया ए इज इक्वल टू 5, एकदम क्लियर बात। तो a का मान आपने कितना निकाल दिया, 5, एक काम तो आपका पूरा हो गया। अब आपको v की वैल्यू लगानी,
तो v की वैल्यू के लिए ऐसे लिखना 2 इंटू रूट 6 बराबर b इंटू रूट 6। क्या आप मेरे इरादे समझ गए हैं? बिल्कुल, इनको अब कैंसिल कर दूंगा। आप ही बताइए ना, b बराबर क्या होगा? 2 होगा, और ये v की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई। ये आपके दोनों करेक्ट आंसर हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया, मेथड समझ में आया सभी लोगों को? तो ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे सॉल्व करिएगा, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, 77वां सवाल देखिए। ठीक है, दुखी होके मत बैठिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। ठीक है, क्योंकि मज़ा प्रसन्नता में ही है। दुखी तो ये सारा संसार है, और कुछ लोग तो इतने दुखी हैं कि कभी उनको हंसना ही नहीं आता। ऐसे लगता है भाई साहब कि उदास सिंह के घर के यही हैं अकेले संसार में। इसलिए आप लोग हमेशा मस्त रहिए, और सुख दुख तो जीवन में सभी के आता जाता रहता है। ठीक है भाई, चलिए 77वां सवाल देखिए, और 77 में क्या लिखा होगा? 77 में जो लिखा वो आपके पास पहले से है, मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। लिखा है कि यदि यदि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 होगा, और अपान हमारे पास लिखा गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 15 है, तो हम लोगों को ए माइनस बी की वैल्यू यहां पे प्राप्त करनी है। कि ऐसे केस में इसे अगर आप सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? अब देखिए, हमने इस तरीके का पिछला सवाल ही अभी सीख लिया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? परिमेयीकरण करोगे। तो जब आप लोग परिमेयीकरण करोगे, तो अब की मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप कोशिश करना, ऊपर क्या हो जाना है? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बोलो होना है, तो सीधे बोलो 5 और 3 कितना होगा? 8 माइनस 2ab, तो 2 इंटू और 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, बटे बटे में सदैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में से जब 3 घटाओगे तो 2 आएगा ना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते जा, ए और प्लस बी रूट 15 हो जाएगा। अब आप यहां से 2 को कॉमन कर लीजिएगा, तो जब 2 को कॉमन करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा? 4 माइनस रूट 15 बराबर ए प्लस बी रूट 15 बोलो होगा। यहां से ए की वैल्यू ले लो, तो इसमें आराम से a बराबर आपका 4 निकल के आ गया, एक काम आपका पूरा हो गया। अब आगे आपका क्या होगा फ्रेंड्स? माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू b इंटू अंडर रूट 15 के। अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 को कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसलिए v की वैल्यू माइनस 1 हो गई। अब आपके पास a की भी वैल्यू है और b की भी है, तो आप देखिए कि आपको a माइनस बी बताना है, तो कह देना कि इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू को आप कितना रखोगे? 4, ये वाला माइनस, और इसकी वैल्यू भी माइनस है तो माइनस 1 होगा। ये तो पता है ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका होगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ा जाए, देर किस बात की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 78, फटाफट आप अपनी कॉपी पर इसे उतार लीजिए, और मैं इसे जरा मिटाता हूँ ताकि हम लोग अपनी क्लास का 78वां सवाल पढ़ा जाए, और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या सीखने को मिलेगा। वैसे हर सवाल में कुछ न कुछ तो सीखना ही है, और एक बार सीख लिया आपने तो परीक्षा पास हो जाएंगे। अब 78 का सवाल, फिर से एक मज़ेदार सवाल, इस बार ये घातांक यानी इंडिसीस के बेस पर है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि x की पावर 1 अपान a इज इक्वल टू y की पावर 1 अपान b इज इक्वल टू z की पावर 1 अपान c, तथा सेकेंड केस में हमें लिख के दिया गया कि x y z इज इक्वल टू 1 है। तो हम सबको जो वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो क्या आप सब तैयार है भाई इस सवाल को समझने के लिए? तो ठीक है, बहुत अच्छा, अगर आप तैयार हैं तो मैं तो पहले से तैयार होकर यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ऐसे केस में आइए इस सवाल को भी मिलकर सॉल्व किया जाए कि इसे हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो आप क्या है, सीधी बात,
एक्स वाई जेड दिया है, ए प्लस बी प्लस सी हमें दे दो, हम आपको उत्तर दे दें, लेकिन वो तो हमें निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा मित्रों, तो इसके बराबर रख देना के यानी कांस्टेंट, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। देखो जब इंडिसीज यानी बेसिक वाला, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें, घातांक कणी का जो आपका ये बेसिक पार्ट था, हमने पार्ट वन दिया, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा जाकर के, सारे रूल्स हमने सिखा रखे हैं आपको। तो ऐसे केस में आपको एक काम करना होगा कि वहां पावर कैसे बदलती है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो आप यहां बराबर के फॉर कांस्टेंट रख दें, केवल कहिएगा इसलिए यक्ष बराबर, अगर यहां से यक्ष बराबर करूंगा तो बोलो क्या के की पावर ए लिख सकते हो, जस्ट उल्टा हो जाना ये, तो के की पावर ए। ऐसे डियर स्टूडेंट्स वाई बराबर क्या लिखिएगा, तो वाई बराबर के की पावर बी हो जाएगी, तो k की पावर b हो जाएगी। ऐसे बोलो z बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर c हो जाएगी। बेस में इसको बनाऊंगा तो आप कहना चूंकि x y z इज इक्वल टू 1, ये सबसे हमारे काम का पॉइंट होगा। अगर मैं इसी को लेके अपने क्वेश्चन को आगे डेवलप करूं तो देखिए ना कि यहां पे x की जगह पे क्या लिखा है, k की पावर a, y के बदले k की पावर b, z के बदले बोलो k की पावर c। तो आप लोग बताएं कि अगर मैंने इसे लिखा k की पावर a इंटू k की पावर b इंटू k की पावर c इज इक्वल टू 1, तो फ्रेंड्स बराबर k की पावर 0 लिखने को आप तैयार हैं कि नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि आपने ये पढ़ा है मेरे भाई कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 बराबर a की पावर 0 होगा। जैसा मेरा सवाल होगा वैसा मैं जवाब दूंगा। अब ये आगे क्या हो जाएगा, आगे होगा k की पावर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू k की पावर 0। तो बोलो अब k के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना मेरे भाई, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो चलिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए, फिर एक और नए सवाल की तरफ बढ़ा जाए और अपनी क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखना है कि वास्तव में 79 में क्या करना। तब तक आप लगाते रहिए, जब तक मैं आपका ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ लिख रहा हूँ, तब तक कुछ काम आप करते रहिए, फिर साथ साथ तो हम दोनों कर ही रहे, वो करते रहेंगे। 79 नंबर अगर मैं देखता हूँ तो एक और मज़ेदार सवाल मेरे पास आता है, और यहाँ क्या लिखा भाई, लिखा गया कि यदि 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z तथा यहां लिखा है कि 1 अपान 2x प्लस 1 अपान 4y प्लस 1 अपान 6z बराबर 12/7 है, तो हम सबों को x की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखिए एक है ना बढ़िया सा सवाल, कैसे लगाएंगे इसको। अब आपका उद्देश्य क्या है कि हमें x की वैल्यू बतानी है। अगर हमको x का मान बताना है मेरे भाई, तो चलिए जरा इसे पहले सॉल्व करते हैं फिर x का मान निकालेंगे। तो आपको एक बात बताऊं, अगर मैं इसको लिखूं आपके लिए कि भाई ये तो मेरे लिए हो जाएगा 2 की पावर x बराबर, सबको मैं 2 के रूप में बदलना चाहता हूं, तो मुझे बताओ क्या इसे 2 दूनी 4 लिखोगे। तो 2 दूनी 4 जब पावर की पावर बनेगी तो पावर का गुणा कर देना, क्योंकि तो ब्रैकेट में होगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2y बराबर 2 की पावर 3z, बोलो होगा। अब यहां से 2-2 सब कट जाएगा, तो इसके बदले में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो तो कम से कम यही होगा कि इसलिए x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z होगा। अगर मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी के साथ, तो निश्चित तौर पे इसे आप लोग लिख पाओगे, इसलिए 2x बराबर 4y बराबर 6z, बोलो एग्री हैं। और इसी वैल्यू को यहां ला करके मैं पुट कर देना चाहता हूं, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि 2x बराबर तो 2x ही होगा, तो 2x का मतलब 1 अपान 2x प्लस,
अब मैं पूछता हूँ 4y बराबर, तो आपका जवाब x आएगा, क्योंकि मुझे x में बताना है आंसर, इसीलिए प्रत्येक स्टेप को मैं x में चेंज कर रहा हूँ मेरे भाई। तो 4y बराबर 2x, तो इसके बदले भी मैं लिख देता हूँ 1/2x प्लस, देखो ना। अब मैं पूछता हूँ 6z बराबर, तो आप कहोगे 2x, तो ऐसे केस में यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1/2x बराबर 12/7, हो गया काम। देखिए ना, सबका हर बराबर हो गया, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो, तो 1, 2, 3, तो 3/3 कितना होगा 2x बराबर 12/7, बोलिए एग्री है सब लोग? इसको यहीं छुड़ा दो, 3 × 12 हो जाएगा, 4 × 2 = 8x, तो आप कहें 8x बराबर 7 के, अब आप मेरे साथ बोलो x बराबर 7/8, ये रहा आपका आंसर, क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसे आप लोग लगा लीजिए। इसके बाद अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 80 मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, और देखता हूं कि 80 नंबर पर हमारे मित्रों के लिए क्या कह दिया गया। तो 80 नंबर का क्वेश्चन लिख करके आप रेडी हो जाओ, और 80 नंबर के सवाल को आप मज़े के साथ समझ लिया जाएगा। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार था, बस एक दो बार इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब जाके प्रैक्टिस शुरू करिएगा, तो फिर कॉन्फिडेंस का आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। इस नाते हमेशा प्रैक्टिस से पहले ये आपका डिटेल क्लास आवश्यक होता है। 80 नंबर का प्रश्न क्या कहता है वो हम देख रहे हैं। 80 नंबर में ये लिखा है कि यदि 3x बराबर 81 यानी 81y तथा सेकेंड पॉइंट ये लिखा गया कि 2x + y बराबर 63 यानी 63 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आपका क्वेश्चन दिया गया। अब आप देखें इसे कैसे करेंगे, वही काम करिए इसमें, यहाँ लिखिए 3x बराबर, जब 3 × 4 करोगे तब तो 81 आएगा, तो 3×4y डायरेक्ट लिख दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपका x बराबर 4y बोलो आएगा, और इस वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ऐसा काम कर दीजिएगा तो आपको ये पता हो गया कि हमें x बताना, तो हम x के रूप में ही रखेंगे 2x प्लस। मुझे इतना बताओ कि 4y बराबर x है, तो y बराबर x 4 आएगा, वही लिख देना, तो x 4 बराबर 63 के। आप 4 × 8 = 9 करिएगा, तो कहिएगा 9x/4 बराबर 63 के, तो सीधे 4 को इधर भेज दीजिएगा। अब बोलिए 9 × 7 = 63, x बराबर 7 × 28, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको, तो इसे कॉपी करिए, और हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं, और देखा जाए कि वहां पर आपको क्या करना होगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 81, अपनी क्लास का 81वां सवाल आपके सामने अब मैं लिखने जा रहा हूं। 81 नंबर का क्वेश्चन भी एक बेहतरीन प्रश्न होगा। यहां पे ये लिखा गया कि यदि 2x बराबर 3y इज इक्वल टू 6−z हो, तो हमें बताना है कि 1/x + 1/y + 1/z बराबर, जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा क्या आने वाला है। अब कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और इन दोनों में अगर मैं लिख दूँ कि भाई बराबर k यानी कॉन्स्टेंट है, वो तो रहेगा, इसलिए ये हो जाएगा 2 बराबर, सीधे हम लिख देंगे k^1/x, तो k^x है तो 1/x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 बराबर k^1/y, बोलो चलेगा? तो ऐसे केस में आपके पास देखो 2 का वैल्यू आ गया, 3 की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ, इन्हें जरा तोड़ता हूँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स 6 की पावर माइनस जेड बराबर
मैं आप अगर कहें तो क्या होगा, इसको समझाने के लिए इसको दो सेक्शन में तोड़ देता हूं। बोलो दो तीन छः हो जाएगा। इस दो की जगह पर मैं ये चाहता हूं कि जब इसको हम हल करते तो इसी स्टाइल में वो कितना आया होता कि भाई 6 की पावर हो जाता हमारे पास। इसी स्टाइल में लिख देते कि k की पावर -1/z आ जाता। इसे देखें तो इस दो की जगह पर इसको लिखना कि k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर -1/z के। अब आप देखिए दोनों पावर तो आपस में जोड़ देंगे, के तो चला ही गया, कोई टेंशन नहीं है। तो आपके पास ये हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर -1/z के। बोलो भाई। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ जाऊंगा तो अब के कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि ए हो जाएगा 1/x प्लस 1/y अब बराबर होगा -1/z के। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये आ गई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। हम सवाल तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी ये जो पूछा गया कहना, इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इन्होंने पूछा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये 1/x प्लस 1/y की वैल्यू कितनी है, -1/z प्लस 1/z, ये दोनों कैंसिल हो गए, करेक्ट आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 82 लूंगा और उसे समझाऊंगा। ठीक है, ओके, चले भाई अब 82 के लिए आप तैयार हो जाइए और इसे लगाइए। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये सब सवाल आए ही हैं और इन्हें तैयार रखना चाहिए। इस तरह के सवाल जब भी हमें मिलेंगे, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके लिए लगाना मुश्किल हो जाता है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 82 करने जा रहे हैं। तो 82 नंबर हमारा क्या कहता है कि 82 नंबर में ये लिख दिया गया कि x की पावर a प्लस बी की कंप्लीट पावर यानी होल पावर a माइनस बी, फिर इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x की पावर b प्लस सी की होल पावर b माइनस सी इंटू थर्ड ब्रैकेट में x की पावर c प्लस a की होल पावर c माइनस a अपान, यहां से लिखें x की पावर a की पावर b माइनस सी इंटू, यहां से है x की पावर b की होल पावर c माइनस a इंटू x की पावर c की होल पावर है a माइनस b बराबर क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया, देखिए ये घातांक के बेस पर है। और जरा याद करिए, जब पावर की पावर बनेगी तो पावर का आपस में गुणा करोगे ना मेरे भाई, तो आप यहां पे गौर कीजिएगा, ये देखो पावर की पावर ही सारी की सारी बनी है सारी। तो आप देखिए ना, जितना ये बड़ा दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी माइंड का प्रयोग करिए, सब कुछ आपके हाथ में है, मंजिल भी, जिंदगी भी और ये सवाल भी। तो देखिए ना, यहां यक्ष मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप गौर करिए, जब पावर की पावर होगी तो आपस में गुणा करोगे, इसका मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, बोलो होगा। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं कि a प्लस बी ए माइनस बी अगर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को तोड़ दे चलो, इनटू यहां से ये हमारे लिए हो जाएगा x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान हो जाएगा हमारे लिए। यहां से देखो x की पावर क्या हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई करोगे ए बी और माइनस ए सी इंटू x की पावर, ये हमारा हो जाएगा बी सी माइनस ए बी, चाहे बी ए जो भी आप लिख दें, इंटू ये हमारा हो जाएगा x की पावर सी ए और माइनस हो जाएगा बी सी के। बोले यहां तक सब लोग एग्री हैं। अब आप देखिए कि आपका कौन सा रूल लगेगा, ये a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n,
क्योंकि सबका बेस इक्वल है तो पावर को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ने आएंगे तो आपका ये हो जाएगा x की पावर। अब मैं इसे जोड़ने जा रहा हूँ भाई, तो ये मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान अपान में आ जाएगा x की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस बी सी। बस हो गया काम। अब वक्त आ गया, देखें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस है तो दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा, बी स्क्वायर प्लस माइनस ए भी चला गया, ये भी चला गया, तो कम से कम ऊपर का खेल खत्म, एक्स की पावर जीरो आ गया। अब आप नीचे देखें, यहाँ पर ए बी प्लस है और यहाँ पे बी ए हो चाहे ए बी हो एक ही बात है, ये कैंसिल होगा। यहाँ पर ए सी है, यहाँ सी ए है, दोनों एक ही बात, ये भी कट गया। यहाँ पर भी बी सी, यहाँ पर भी बी सी, इनका खेल भी खत्म हो गया। कह दीजिए कालिया तेरा वक्त पूरा हुआ, अब तू जा। आप बताइए कि किसी भी नंबर की पावर जीरो तो उसका मान एक होगा, तो एक बटे एक बराबर सबका मालिक एक आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, आप इसे लगा लीजिए। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 83 करेंगे, 83 नंबर के प्रश्न को डिस्कस किया जाए कि आपको उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आप 83 करिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। 83 नंबर अपनी कॉपी में डालिए। अब 83 नंबर आपके पास क्या होगा वो मैं देखता हूं। 83 नंबर का क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि x की पावर a अपान x की पावर b की होल पावर है 1 अपान ए बी इंटू, फिर सेकेंड ब्रैकेट में है x की पावर b अपान x की पावर c की होल पावर 1 अपान बी सी इंटू, मेरे पास लिखा गया एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए की होल पावर 1 अपान सी ए बराबर क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये पिछले क्वेश्चन 82 के जैसा ही है, यहां पर भी पावर की पावर बनेगी। उससे पहले इसे जरा देखो, यह ए की पावर m बटे ए की पावर n आपको नजर आ रहा है भाई, और ए की पावर m बटे ए की पावर n बराबर क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। तो पहले इस नियम का प्रयोग करो, जब आप इस नियम का प्रयोग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस b की पावर 1 अपान ए बी, बोलिए होगा ना। इसे करें तो ये आपके पास आएगा x की पावर b माइनस c की पावर 1 अपान बी सी होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो x की पावर c माइनस a की होल पावर 1 अपान सी ए होगा। अब आप आगे चलें तो आपको रूल याद आया होगा, पावर की पावर तो पावर का आपस में गुणा होगा, यानी हो जाएगा a माइनस बी इंटू 1 अपान ए बी। इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे का नीचे रह जाएगा, तो हम इसे लिख पाएंगे x की पावर, आप बताएं कि a माइनस बी अपान ए बी होगा इंटू, ये हो जाएगा x की पावर b माइनस सी अपान बी सी इंटू। इसे कैसे लिखेंगे, x की पावर c माइनस ए अपान सी ए। ठीक है यहां तक, अब क्या हो गया, सभी का बेस इक्वल हो गया तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ठीक है बराबर लिखना x की पावर। अब आप देखो इसे लिख पाओगे कि भाई a माइनस बी अपान होगा ए बी प्लस, ये हो जाएगा b माइनस सी अपान कितने के, बी सी हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा हमारे लिए कि c माइनस ए अपान सी ए, बोलो यस आर नो। तो अगर आपका आंसर यस है तो क्या ये आंसर हो गया क्या, बिल्कुल नहीं भाई। आप देखिए अगर इसे ना ध्यान दें तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम क्या होगा बोलो, ए बी सी होगा। तो ये बराबर आप लिख सकते हो एक्स की पावर
आप जब सबका एलसीएम एबीसी कर दोगे तो भैया ठीक है, आप अच्छे हो तो अच्छे बने रहो, अच्छे हो तो अच्छे दिखो भी। एबीसी हो गया, एबीसी में एबी कट गया, कौन बचेगा? सी। तो सी का ऊपर जाके गुणा दोनों में होगा तो ये हो जाएगा सी ए माइनस सी बी प्लस। यहाँ बीसी है तो ए बचेगा, ए का गुणा दोनों में होगा तो ये आपका हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। क्यों भाई? होगा ना प्लस। यहाँ से देखिए सी ए है तो कौन बचेगा? बी बचेगा, बी का गुणा दोनों में होगा तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। बस हो गया अपना काम। अब देखिए अपने अच्छे दिन आ गए, सी ए ए सी ये कैंसिल हो गया, सी बी बी सी ये कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हो गया। आप बताइए सब कुछ अच्छा रहा तो ये हो गया एक्स की पावर। तो यहाँ से जीरो अपान ए बी सी, ये तो सबको पता है ना कि जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर जीरो बराबर सबका माल एक, एक आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे लगाइए और अब हम लोग अपनी क्लास का 84 यानी 84वां सवाल यानी इस सेक्शन पर आज अंतिम सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। तो 84 नंबर का प्रश्न बिना किसी देरी के आप अपनी कॉपी पे तुरंत लिखिए। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अब एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। कौन सा टॉपिक होगा सारी बात करता हूँ। सिलेबस मैंने आपको दिया हुआ है, सब कुछ आपको पता है किस चैप्टर के बाद मुझे क्या पढ़ाना है। किसी बच्चे को सिलेबस ना मिला हो तो मांग लेगा, हम तुरंत देंगे। वैसे टेलीग्राम चैनल पर वो अवेलेबल है, बस लिंक में जा करके आपको ढूंढना है और कोई नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ जाएगा। फिलहाल सवाल तो पढ़ लिया जाए पहले। 84 नंबर, तो अगर यहाँ 84 नंबर की बात करूँगा तो यहाँ ये लिख दिया गया कि यदि अंडर रूट 15 बराबर मेरे पास है 3.88 तो आपको ये बताना है कि अंडर रूट 5/3 ये क्या हो जाएगा। बस अब आप देखिए कि ऐसे केस में आपको यहाँ को लेके इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा और जब आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो आपका हो जाएगा 5/3। तो 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये ऊपर का आ जाएगा अंडर रूट 15/3 हो जाएगा और इसका मान दिया गया है 3.88। तो 3.88 और बटे कितना? 3 के। अब आप इसे अगर भाग दीजिएगा तो आपको पता ही आ जाएगा 3 × 3 दशमलव लगाओ, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6 होगा आपके पास, 2 × 8 = 28, 3 × 9 = 27, 1 = 28, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 डॉट डॉट ऐसे बार बार। तो 1.293 के ऊपर बार लगा देना। ये मैंने इसलिए किया है कि हमने वर्गमूल घनमूल में भी क्वेश्चन पढ़ाया था लेकिन वहाँ विकल्प में 2 अंक तक ही उत्तर था, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया था हमने 1.29। वह भी बिल्कुल सही था लेकिन ये आपके सीजीएल में एक बार प्रश्न आया जिसमें विकल्प में ऐसे छपा था कि 1.293 बार बार। तो यकीनन इसका आंसर यही होगा और इस तरीके से हमारा यह चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और आपको पता है कि हमने आपसे कहा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और इसमें फिर और आपका, तो यानी कहने के लिए आज हमारे ये पार्ट यहाँ पे समाप्त हो रहा है और हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धत। उसमें एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं बतानी है, समझानी है। चैप्टर शुरू करूँगा तो मैं आपको सारी बातें बेसिक से लेके एडवांस तक पहुँचूंगा। लेकिन घातांक करणी या कोई भी चैप्टर हमने जो पिछला समझाया, किसी को अंतिम मत समझना, भले उसमें लास्ट पार्ट लिखा हो, उसमें जैसे कुछ नए सवाल मिलेंगे, अपडेट सवाल मिलेंगे, कुछ मज़ेदार सवाल मिलेंगे और एक बार मैं आपकी सीरीज पूरी कर लूँ फिर सबको अपडेट करता रहूँगा, फिर अच्छे अच्छे उसमें सवाल मैं डालता रहूँगा ताकि आपको कहीं कोई सवाल ढूंढना ना हो, इधर उधर भटकना ना हो, नाच नौटंकी कुछ देखने की आवश्यकता ना हो। सिर्फ आप पढ़ते हैं, डेटा अगर यूज़ करते हो तो सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब पर जाता हो। और हमारी आपकी क्लास इतनी लंबी नहीं कि आप बहुत बोर हो जाएं, अगर होते हो तो हमें बता दें तो आधे घंटे में हम कितने चुटकुले सुनाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी जगह हम सिर्फ सवाल अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं, क्योंकि दुनिया में आप देखिए कोरोना ने कितना कुछ हमें सिखा दिया, अपने पराए का भेद सिखा दिया, संकट के दौर को हमने समझ लिया, पैसे की अहमियत को समझ लिया,
सभी को हम लोगों ने समझ लिया है, अगर अब भी हम ना सुधरे तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। सो आप सारे लोग अपनी सोच, अपने काम करने के तरीके को बदलिए, लोगों के साथ व्यवहार में परिवर्तन लेके आइए। पुराने जमाने मत जीजिए, बिना वजह बैठ करके फेसबुक पे व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट ना करें आप। वहाँ लिमिटेड टाइम दें, फेसबुक देखो एक तरीके से क्या हमारे प्रतियोगी जीवन के लिए आप यूँ समझिए कुछ जहर है। ऐसे केस में मैं तो ये चाहूँगा कि फेसबुक पे अधिकतम आप लोग संडे को आया करो, वो भी 10 से 15 मिनट, बस ये लगे कि आप सोशल मीडिया पे हैं। मैं भी उससे ज़्यादा कभी नहीं आता हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप पे अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है तो उसको देखिए, उसको रिप्लाई करिए, हटिए। टेलीग्राम चैनल आपके पढ़ने की चीज़ है तो वहाँ से आप जुड़े रहिए, और पढ़ने की सामग्री भी उतनी ही कलेक्ट करिए जितनी कॉम्पिटिशन के लिए आवश्यक है। आपको पता ना कि आज तक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसे सब कुछ पता हो, तो ऐसी कोई कोशिश भी ना करें। आपको सिर्फ विद्वान नहीं बुद्धिमान बनना है, सिलेक्शन लेना है। इसलिए आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करूंगा और फिर से एक नए जोश, उत्साह और उमंग के साथ आपके साथ एक नए चैप्टर मिलूंगा नए ढंग से। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप सबको थैंक यू।